दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा कैटरपिलर देखा है जिसके शरीर पर बाल उगे होते हैं? और क्या आपने कभी ऐसा कैटरपिलर देखा है जो अपनी पीठ पर हरे रंग की पोशाक पहने होता है? और क्या आपने कभी इस कैटरपिलर को देखा है जिसका रूप बहुत ही सजावटी होता है? क्यों, सुनकर चौंक गए ना? इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे कैटरपिलर्स दिखाने वाले हैं जो खूबसूरत तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ खतरनाक भी है। इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि इन कैटरपिलर्स पर हमने पार्ट वन वीडियो बनाया हुआ है, जिस पर आप सभी का बहुत प्यार मिला। हमें उम्मीद है कि आप इस वीडियो को भी वैसा ही प्यार देंगे। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो का पार्ट वन नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10, केयर्स बर्ड विंग कैटरपिलर। दोस्तों, ये कैटरपिलर ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और ये जहरीले पेड़ पौधों पर रहना पसंद करते हैं और ये वहीं से अपना आहार लेते हैं, जिसके कारण ये जहरीले हो जाते हैं। अगर बात करें इनके रूप की तो ये काले और भूरे रंग के होते हैं, साथ ही इनके शरीर पर नारंगी रंग के कांटे उगे होते हैं जिसमें काफी जहर होता है। लेकिन ये जितने शानदार होते हैं उतने ही खतरनाक भी। ये काले रंग के होने के बावजूद भी हरे पेड़ पौधों पर रहते हैं, जिसके कारण ये आसानी से अपने शिकारियों की नज़र में आ जाते हैं। और अगर किसी शिकारी ने इन्हें खाने की गलती कर दी तो उसे भयानक बदन दर्द या फिर सीधे ऊपर जाने की नौबत आ सकती है। नंबर 9, ऑर्सेन्यूरा कैटरपिलर। दोस्तों, ये कैटरपिलर अमेरिका में पाया जाता है, लेकिन जिन जंगलों में ये रहते हैं वो इनके शिकारियों से भरा होता है और इसीलिए ये बड़ी मुश्किल से अपने वयस्क होने तक बच पाते हैं। अपने बचाव के लिए इनके पास दो ही चीज होती है, उसमें से एक इनका रंग है जो समय के साथ बदलता रहता है, और दूसरा इसके सिर पर मौजूद लंबे सींग जो इनके शिकारियों को दूर रखने में मदद करता है। आपको बता दूं कि इनके शरीर पर मौजूद ये लंबे सींग बहुत ही घातक होते हैं, जो इनके शिकारियों को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, और अगर किसी पक्षी ने इन्हें खा भी लिया तो भी ये उनके लिए बहुत घातक साबित होते हैं, लेकिन ये हम इंसानों के लिए घातक नहीं होते। नंबर 8, हेनरीज हार्श मोथ कैटरपिलर। दोस्तों, ये कैटरपिलर कनाडा में पाया जाता है, जिसका आकार 1.5 से 2 इंच के बीच होता है। बात करें इनके रंगों की तो इसमें काला, सफेद और नारंगी रंग का मिश्रण होता है और ये सारे रंग एक खास पैटर्न से सजे होते हैं। ये कैटरपिलर घास और पेड़ पौधों के पत्तों को अपना भोजन बनाते हैं। इस कैटरपिलर के शरीर में अनगिनत कांटेदार बाल उगे होते हैं और इन बालों में भी काला, सफेद और नारंगी रंग का मिश्रण होता है। वैसे तो कैटरपिलर की वो प्रजातियां जिसमें कांटे जैसी कोई चीज होती है उससे सिर्फ पक्षियों को ही नुकसान पहुंचता है, लेकिन ये एक ऐसी प्रजाति है जिसके कांटों से हम इंसानों को भी नुकसान पहुंचता है, जैसे स्किन प्रॉब्लम्स और दर्द जैसी समस्या। नंबर 7, ज़ेब्रा लॉन्गविंग कैटरपिलर। दोस्तों, ये कैटरपिलर सेंट्रल और साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं, लेकिन कभी कभी ये नॉर्थ अमेरिका में भी मिल जाते हैं। बात करें इनके हमला करने की तो ये कैटरपिलर किसी दूसरे जीव पर हमला नहीं करते, जबकि इनके पास हमला करने के लिए हथियार भी है। जी हाँ दोस्तों, इनके शरीर पर मौजूद ये नुकीले कांटे बहुत ही खतरनाक हैं, जिसका इस्तेमाल ये तब करते हैं जब इनके दुश्मन इन पर हमला करते हैं। और अगर बात करें इनके रंगों की तो इनका निचला हिस्सा काला होता है और ऊपरी हिस्सा सफेद होता है, जिस पर काले धब्बे होते हैं और उन्हीं काले धब्बों में नुकीले कांटे उगे होते हैं, और इसका यही रूप काफी शानदार दिखाई देता है। ये कैटरपिलर जिन पौधों पर रहते हैं उसी की पत्तियां और फूलों को खाकर अपना गुजारा करते हैं। नंबर 6, पाइपवाइन स्वॉलोटेल कैटरपिलर। दोस्तों, ये कैटरपिलर देखने में काफी सुंदर होता है। अगर बात करें इसके रूप की तो ये भूरे रंग का होता है और इसके शरीर पर नारंगी रंग के कांटे होते हैं, लेकिन जब ये कैटरपिलर शुरुआती दौर पर छोटे होते हैं तब इनका रंग काला होता है, और बढ़ते समय के साथ ये जैसे जैसे वयस्क होते हैं वैसे वैसे इनका रंग भूरा होता चला जाता है। लेकिन आपको बता दूं कि ये जितने सुंदर हैं उतने ही खतरनाक भी, वो इसलिए कि ये जिस पौधों को खाते हैं उसमें एरिस्टोलॉजिक एसिड होता है, जिसे ये अपने अंदर इकट्ठा करके रखते हैं, और ये एसिड इनकी पीठ पर जमा होता है।
ये कैटरपिलर इस एसिड का इस्तेमाल तब करते हैं जब इन पर किसी पक्षी या फिर किसी कीट भक्षी जानवर का हमला होता है, और इसके इस्तेमाल से ये कैटरपिलर अपनी जान बचा लेते हैं। नंबर 5, पैडले कैटरपिलर। दोस्तों, ये कैटरपिलर बहुत ही तेजी से दुर्लभ होता जा रहा है, वो इसलिए कि ये कैटरपिलर खोजने पर भी नहीं मिलते, क्योंकि हाल के ही कुछ वर्षों में इनके निवास स्थान को नुकसान पहुंचने के कारण इनके जनसंख्या में तेजी से गिरावट हो रही है। ये कैटरपिलर अपने भोजन के लिए ओक और सेब के पेड़ों पर मौजूद होते हैं, जहां ये भोजन की तलाश में उसकी शाखा पर मोटा गड्ढा खोदते हैं। अगर बात करें इनके रूप की, तो ये कैटरपिलर काले रंग का होता है, जिस पर पीले रंग के बहुत सारे पैटर्न बने होते हैं, और साथ ही इस पैटर्न में स्टिक्स भी मौजूद होते हैं। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो ये स्टिक्स बिल्कुल किसी नाव चलाने वाले चप्पू की तरह दिखाई देता है, और इसी वजह से इसका नाम पैडले कैटरपिलर रखा गया है। नंबर 4, स्टिंगिंग रोज कैटरपिलर। दोस्तों, ये कैटरपिलर अमेरिका में पाया जाता है। आपको बता दूं कि इनके भूरे और हरे रंग के सींग छलावरण की स्थिति पैदा करते हैं, जिसके कारण इन्हें वनस्पतियों के बीच पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ये कैटरपिलर अपने इस छलावरण का इस्तेमाल नहीं करते और अपने भोजन की तलाश में इधर उधर रेंगते रहते हैं, जिसके कारण ये आसानी से शिकारियों का शिकार बन जाते हैं, और इसी वजह से इन्हें मूर्ख कैटरपिलर भी कहा जाता है। इनका आकार 1 या 2 इंच के बीच होता है। बात करें इनके रंगों की, तो इसमें पीला, लाल, बैगनी और नारंगी रंग का मिश्रण होता है, और ये सारे रंग एक पैटर्न में सजे होते हैं, जो काफी शानदार होते हैं। अगर बात करें इनके कांटों की, तो अगर ये आपको लग जाते हैं तो आपको स्किन प्रॉब्लम्स, खुजली, सूजन और बदन दर्द जैसी समस्याएं हो जाती है, इसलिए अगर ये आपको कहीं दिख जाते हैं तो इनसे दूर ही रहिएगा। नंबर 3, स्पॉटेड एपेटिलोट्स कैटरपिलर। दोस्तों, ये कैटरपिलर अमेरिका में पाया जाता है और इसे अमेरिका के सबसे प्यारे कैटरपिलर्स में से एक माना जाता है। दोस्तों, ये एक ऐसा कैटरपिलर है जिसका शरीर बालों से ढका होता है। जब ये कैटरपिलर पैदा होते हैं तो इनके बालों का रंग सफ़ेद होता है, लेकिन बढ़ते समय के साथ ये सफ़ेद बाल पीले हो जाते हैं, जिसका मतलब ये माना जाता है कि इनमें कोई जहर नहीं है और ये पूरी तरह से इंसानों के लिए खतरा नहीं है। और इसकी सबसे खास बात यह है कि इसके पैरों में लाल रंग होता है, जो देखने में ऐसा लगता है कि इन्होंने छोटे जूते पहने हुए हैं। दोस्तों, किसी भी कैटरपिलर का जहरीला होना उसके खान पान पर निर्भर करता है। अगर वो जहरीला ना होते हुए भी जहरीली चीज़ों का सेवन करता है तो आखिर में वो जहरीला ही बन जाता है। नंबर 2, सैडलबैक कैटरपिलर। दोस्तों, ये कैटरपिलर मैक्सिको और अमेरिका में पाया जाता है और ये विभिन्न प्रकार के पौधों में फीड करते हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा चेरी और अंजीर के पौधों में रहना पसंद करते हैं। बात करें इनके रूप की, तो इनका शरीर भूरे रंग का होता है और इनकी पीठ पर हरे रंग का एक पैटर्न बना होता है, जिस पर भूरे रंग का एक बड़ा धब्बा होता है, जो काफ़ी शानदार दिखाई देता है, और ये देखने पर ऐसा लगता है जैसे इस कैटरपिलर ने हरे रंग की कोई पोशाक पहनी हो। साथ ही इनके शरीर पर नारंगी रंग के कांटे उगे होते हैं, जो आपके लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं, क्योंकि अगर आपने इसे छू लिया तो ये आपको एक सुई के चुभने जैसा लगेगा, लेकिन इसका दर्द काफ़ी दर्दनाक होगा, क्योंकि इसके कांटों में जहर होता है, जो आपके शरीर में जाते ही आपको पाचन, सांस लेने में तकलीफ और स्किन प्रॉब्लम जैसी समस्याएं पैदा कर देता है। तो अगर आपने इसे कहीं देख लिया तो इससे दूर ही रहिएगा। नंबर 1, हबर्ट सिल्क मोथ कैटरपिलर। दोस्तों, ये कैटरपिलर मैक्सिको और अमेरिका के कुछ जगहों में मिल जाते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर सोनोरॉन रेगिस्तान में पाए जाते हैं। इस कैटरपिलर को गर्मी वाले मौसम बहुत पसंद होते हैं, क्योंकि इस मौसम में इसके आसपास की सारी चीज़ें सूखी होती है। बात करें इसके आकार की, तो ये कैटरपिलर 2.5 इंच तक लंबे होते हैं। साथ ही इसका रूप भी काफ़ी कमाल का होता है, वो इसलिए कि इसका रूप बहुत ही सजावटी होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसके हरे शरीर में सफ़ेद, भूरे और पीले रंग के अनगिनत डॉट्स होते हैं। साथ ही इनके शरीर में सफ़ेद कांटे और भूरे सींग भी होते हैं, जो इसे एक शानदार सजावटी रूप देते हैं। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के कुछ खूबसूरत और खतरनाक कैटरपिलर्स।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर आ रही वीडियोस या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को चेक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।